उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया है। यमुनोत्री जा रहे तीर्थयात्रियों से भरी बस करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। बताया जा रहा है मध्य प्रदेश से आए यात्रियों की ये बस उत्तराखंड के डामटा से नौगांव के बीच रिखाऊ खड्ड के निकट हादसे का शिकार हुई। इस हादसे में 22 लोगों की मरने की सूचना है, लेकिन उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने 1500 बरामद होने की बात कही है। घटना के बाद उत्तरकाशी पुलिस और SDRF की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी है। SP अर्पण यदुवंशी ने बताया कि NH-94 पर डामटा से 2 किलोमीटर आगे ये हादसा हुआ है। बस में सवार यात्री मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले हैं। 3 एम्बुलेंस स्पॉट पर पहुंच गई हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। जानकारी के अनुसार बस में 28 लोग सवार थे। 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि 28 लोग एक बस में सवार होकर यमुनोत्री की ओर जा रहे थे। इस दौरान डामटा के पास ये बस खाई में गिर गई। हादसे में अब तक 15 लोगों के शव बरामद हुए हैं। इनके अलावा 6 अन्य लोगों को घायल हालत में अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए SDRF पुलिस और अन्य प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंचे हैं।